हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायके का खजाना। आज हम बनाने वाले हैं अंडों का कोरमा, जो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं अंडों का कोरमा। इसे बनाने के लिए हम इसमें डालते हैं, पहले आलू बॉईल करेंगे। इसमें आलू भी बहुत अच्छा स्वाद देता है, तो मैंने कुछ यहाँ पर बटाटे को बॉईल करने रख दिया है। अब मैं इसमें अंडों को अलग से बॉईल कर रही हूँ। ये एक पैन में मैंने अलग से थोड़े से दाल को, मसूर की दाल को बॉईल करूँगी। उसमें हल्दी डाल रही हूँ थोड़ी सी, और ये भीगी हुई दाल है पहले से, इसे मैं डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं चाहिए तो ना डालें, बट इसे डालने से बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं इसे डाल रही हूँ। इसे काफ़ी अच्छे से हम इसे इस तरह से डालकर इसे गला लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे, और इसको उसमें हम आगे प्रोसीजर में नमक डाल रहे हैं। ये पूरी अच्छी तरह से गल चुकी है। अभी मसालों को मैं मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। कुछ रेगुलर मसाले, बेसिक मसाले, कुछ अलग से नहीं है। जीरा है, जीरा भी मैंने एक बड़ा स्पून लिया हुआ है। फिर कुछ गरम मसाले हैं, जिसमें एक छोटा सा मैंने स्टार एनीस लिया हुआ है, चार छोटी इलायची ली है और चार लौंग लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा है। इस तरह से रेगुलर, ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालना है, थोड़े तेज पत्ते भी हैं, और ये लहसुन की कलियाँ, एक बड़ा इंच टुकड़ा अदरक का है। इन सब को हमें, हरी मिर्ची भी ली है मैंने कुछ। इसमें अगर आप चाहो तो थोड़ी सी हरी मिर्च पीस सकते हैं, उससे फ्लेवर अच्छा आएगा, और थोड़ी सी लाल मिर्च ले सकते हैं। मैंने सिर्फ हरी मिर्च लिया और मिर्च पाउडर थोड़ा लूँगी। अभी इन सारे मसालों को हम मिक्सी में इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये अंडे बॉईल हो चुके थे, हमने इसे थोड़ा सा पोक कर दिया है, और उसके बाद में हमने इसको ऑयल में शैलो कर रहे हैं। थोड़ी हल्दी डाल दी है कलरफुल होने के लिए, जो बहुत ही अच्छी लगती है, शाही लुक आ जाता है। एक पैन में मैंने अनियन को यहाँ पर कट करके बहुत अच्छे से ब्राउन करने रख दिया है। कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर दूँगी मैं इसमें, अनियन थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। उसके बाद में ये पीसे हुए मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। मसाले मैंने बहुत ज़्यादा पेस्ट बारीक नहीं किए हैं, थोड़े से दरदरे से हैं, तो वो जो गरम मसाले हैं वो थोड़े से ऐसे खड़े रह जाते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और मैं इसमें मिर्ची स्वाद अनुसार लेना है गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और इसे बहुत अच्छे से हमें फ्राई करना है। इसे काफ़ी अच्छे से मसालों का पानी सूख जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से कलर चेंज हो जाता है। अब इसको बहुत अच्छे से मसाला भुन चुका है हमारा। मसालों में हमने जो बॉईल हुई दाल है उसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है मसालों में, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। एकदम दाल चा दाल गोश की तरह टेस्ट आता है, बहुत स्वाद देती है ये। इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है, ये काफ़ी थिक है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी अपने अकॉर्डिंग, आप भी अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। थिकनेस आप देख लीजिए कैसे आपको चाहिए, तो ये दोनों ही तरीक़ों में अच्छी लगती है। इसे बॉईल करने के बाद अब मैं इसमें पोटैटो डाल रही हूँ, आलू, और आलू डालने के बाद में अब इसमें मैं जो हमने अंडों को शैलो किया था वो हम डाल रहे हैं। काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी स्वाद दिखने लगता है, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और जल्दी बन जाती है। ये हरा धनिया पत्ता डाला है मैंने थोड़ा सा इसमें, और आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और उसमें ही मैं थोड़ा सा ये मिंट लीव यानी पुदीना के पत्ते भी डाल रही हूँ। रेडी हो चुका है हमारा, देखिए, अंडों का कोरमा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।